moving, not too waiting. I've been dancing in my room, swaying my feet, trying to get you love and a kiss on the cheek, crying candy skies like. Hello, dosto. मैं हूं आइवन, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपको वैसा नरूटो जैसा वीडियो बनाना है, नरूटो एनिमेशन आपके वीडियो के ऊपर ओवरले करना है और आपको जानना हो कि कैसे डालना है, वो एनिमेशन कैसे हटाना है, तो ये वीडियो को देखते रहिए। उसके लिए आपको दो फाइल्स चाहिए, एक आपकी टच करते हुए और दूसरी है एनिमेशन फाइल। ठीक है, दो फाइल्स है आपके पास। अब आपको क्या करना है, प्रीमियर प्रो में एक नई सीक्वेंस बनानी है, नहीं तो आप न्यू प्रोजेक्ट बनाइए और जैसे ही आप अपने वीडियो को ड्रैग करोगे, अगर वो वर्टिकली रिकॉर्डेड है तो वो अपने आप रील वाली सीक्वेंस में हो जाएगा। उसके ऊपर अपने को अपनी एनिमेशन वाली फाइल डालनी है। ठीक है, उसके देखो आपका वीडियो जो है वो मेन वीडियो है, उसके ऊपर आप ओवरले कर रहे हो एनिमेशन का, तो आपकी वीडियो हमेशा नीचे रहेगी, उसके ऊपर ही ओवरले वाली एनिमेशन डलेगी। ठीक है, फिर हमने उसको सिलेक्ट किया इफेक्ट कंट्रोल्स में, गए लेफ्ट में और उसकी पोजीशन हमने थोड़ी चेंज की अपने हिसाब से। मुझे जैसे अब ये जो पर्सन जो डांस कर रहा है उसने स्पेस नहीं दिया साइड में नरूटो के लिए, तो हमने उसे थोड़ा सा आगे उसके साइड में ही कर दिया। ठीक है, उसकी पोजीशन आपको अपने हिसाब से मैनेज करना कि कैसे लगेगा, कैसे दिखनी चाहिए। ठीक है, मुझे ये सही लगी पोजीशन। उसके बाद क्या करना है, हमें वो फ्रेम पकड़ना है जहाँ पे नरूटो और सास्के दोनों अलग अलग हो रहे हैं। देखो क्यों, दोनों का बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, तो हमें लेयर्स इसलिए सेपरेट करनी पड़ेगी। तो हमने वो अलग अलग कर दिए क्लिप्स। अब हम जाएंगे काकाशी वाले पे, उसमें भी देखो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, तो हम वो फ्रेम चूज करेंगे। एरो वाले बटन से आप फ्रेम एक एक बढ़ा के देख सकते हो। हमने फिर ये फ्रेम को काटा कंट्रोल प्लस के, क्लिप हमारी कट गई। अब क्लिप हो गई है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड। ठीक है, एक में नरूतो, एक में सास्के, एक में काकाशी, ये तीन पार्ट्स में बढ़ गई है। अब आपको क्या करना है, अपने इफेक्ट्स विंडो में जाना है प्रीमियर प्रो के। ये इफेक्ट जो है वो प्रीमियर प्रो में पहले से आता है, तो आपको यहाँ पे सर्च करना है अल्ट्रा की। आप अल्ट्रा ही लिखोगे तो वहाँ पे अल्ट्रा की अपने आप आ जाएगा। आपको तीनों को उठाकर डालना है अपनी क्लिप्स पे, तीनों क्लिप्स पे जो एनिमेशन वाली है। ठीक है, आपने डाल दिया। अब पहली क्लिप आप चूज़ करोगे, ठीक है, नीचे जाओगे की कलर और वो पेन वाला बटन दबा के आप बैकग्राउंड पे टच कर दोगे। वैसे ही दूसरी क्लिप आप चूज़ करोगे, की कलर चूज़ करोगे और बैकग्राउंड पे टच कर दोगे, क्लिक कर दोगे मतलब। फिर आपने थर्ड क्लिप चूज़ किया, आप नीचे गए और आपने ये कलर को हाइड कर दिया। तो आप देख सकते हो आपका वीडियो यहाँ पर रेडी है। यहाँ आपकी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, बट मुझे बहुत सिंपलिस्टिक लग रहा है, मैं थोड़ा सा इसमें स्पाइस डालूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक एडजस्टमेंट लेयर बनाऊँगा। ठीक है, मुझे शेक्स डालने हैं, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, एक एडजस्टमेंट लेयर सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, उसको मैंने ड्रैग किया और अपने क्लिप्स के ऊपर। ठीक है, अब मैंने थोड़ा जूम किया, अल्ट और माउस स्क्रोल बटन से जूम किया, एक एक फ्रेम कट किए जहाँ पर ट्रांजिशन हो रहे हैं। ठीक है, बाकी के एडजस्टमेंट लेयर को मैंने डिलीट कर दिया। अब एडजस्टमेंट लेयर डिलीट हो गई। अब मैंने ऑनलाइन एक शेक्स डाउनलोड किए थे, जो शेक करते हैं स्क्रीन, वो इफेक्ट्स डाउनलोड किए थे। आप बोलो तो मैं आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको लगे तो। तो मैंने शेक्स को उठाकर वो एडजस्टमेंट लेयर पे डाल दिया। उससे क्या हुआ, जहाँ जहाँ एनिमेशन के कैरेक्टर चेंज हुए वहाँ वहाँ पर हमें शेक मिला। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये कैसा लुक दे रहा है, ये देखो, ये देखो। छोटे से इफेक्ट ने एक अलग ही चार चांद ला दिया वीडियो में। और ऐसा है कि मैं नहीं चाहता वीडियो डायरेक्ट खत्म हो, तो मैं क्या करूँगा, एक ब्लैक वीडियो उसके ऊपर डालूंगा। वहाँ ब्लैक वीडियो को हमने वहाँ पे डाला और बाहर का जो पोर्शन है उसको हमने कट किया। ठीक है, ब्लैक वीडियो चूज़ की, उसके स्टार्टिंग वाला जो की फ्रेम है उसकी ओपेसिटी मैंने ज़ीरो कर दी और जो आखिरी का उसका प्लेहेड है उसको ले जाकर उसकी जो ओपेसिटी वो 100 कर दी, तो वो ब्लैकआउट वाला इफेक्ट दे देगा। तो अब थोड़ा सा सिनेमेटिक लुक आया, धीरे से वो क्लोज इन हुआ। तो हमारा वीडियो कम्प्लीट हो चुका है, आप यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर दो और अपने दोस्तों से शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत सारी चीज़ें इजी वे में समझाऊंगा। उम्मीद है आपको पसंद आया है। गुड बाय।